सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईजी पंजाब इनाम गनी से ब्रिटिश हाई कमीशन के वफद की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात। ब्रिटिश हाई कमीशन के दो रुकनी वफद में मिस एन कुवान, काउंसलर, रीजनल ऑपरेशन मैनेजर और एल्बर्ट डेविड शामिल थे। दौरान मुलाकात दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दो तरफा तावुन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईजी पंजाब ने ब्रिटिश वफद को लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल और पंजाब पुलिस के जदीद प्रोजेक्ट से आगाह किया। आईजी पंजाब इनाम गनी ने कहा कि पंजाब पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे को यकीनी बना रही है। गैर मुल्की शहरियों के तहफ्फुज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की चाको चौबन टीमें हमा वक्त मसरूफ अमल हैं। सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए सूबे भर में पुलिस खिदमत मराकज अवामी खिदमत में मसरूफ हैं। ब्रिटिश वक्त ने दहशतगर्द, शरपसंद और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब पुलिस की बर वक्त कार्रवाइयों को काबिल सताइश करार दिया। ब्रिटिश वफद का कहना था कि जराइम की बेखूनी में मॉडर्न पुलिसिंग की महारतों और जदीद तरीक़ेकार को भड़ता इस्तेमाल नहायत खुश आइंद है। पंजाब पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और पेशा वराना तावुन को मुस्तकबिल में मजीद बढ़ाया जाएगा। मरकजी मुलजिम आबिद मलही गिरफ्तारी पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की तरफ से अफसरान में तारीफी असनाद तकसीम। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने पुलिस टीम्स की कारकर्दगी को सराहते हुए अफसरान में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इंचार्ज सीआईए मॉडल टाउन हुसैन हैदर, इंचार्ज सीआईए सिविल लाइन जावेद हुसैन और इंचार्ज सीआरओ हुसैन फारूक ने असनाद हासिल की। तारीफी असनाद हासिल करने वालों में सब इंस्पेक्टर अमानत अली, मुनीर अहमद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर खलील अहमद, नसीर अहमद, कांस्टेबल यासीन और शहबाज शामिल। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है कि सीआईए और सीआरओ के अफसरान ने मरकजी मुलजिम आबिद मलही की गिरफ्तारी के लिए दिन रात मुसलसल काम किया। पुलिस टीम्स की मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अनथक मेहनत काबिल सताइश है। मुलजिम की गिरफ्तारी पुलिस टीम्स की बेहतरीन हिकमत अमली और पेशा वराना सलाहियतों के जरिए मुमकिन हुई। आप जैसे बहादुर अफसरान की शबाना रोज मेहनत ने महकमे पुलिस का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन मोहम्मद बिलाल कयूम की सरबराही में कहना पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल खड़ी करने के तनाजे पर कॉलेज में घुसकर खवातीन टीचर्स और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पांच मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में तालिब उस्मान, सदीक नोमान और राहत अली शामिल। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहना की इंतजामिया ने मुलजमान को कॉलेज के गेट पर मोटरसाइकिल खड़ी करने से मना किया था। गिरफ्तार मुलजमान के दिगर मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर का मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश। एसपी इकबाल टोन इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब की सरबराही में नवाकोट पुलिस की कार्रवाई। दौरान डकैती शहरी को फायरिंग से शदीद जख्मी करके फरार होने वाला खतरनाक डाकू आसिफ गिरफ्तार। मुलजिम ने चंद रोज कबल अपने साथी शान के साथ मिलकर शहरी को दौरान डकैती फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मुलजमान शहरी की मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने लगे तो मजरूब शहरी ने अपने पिस्टल से फायरिंग कर दी थी। मजरूब शहरी की फायरिंग से एक डाकू शान गोलियां लगने से मौके पर ही हलाक हो गया था। गिरफ्तार डाकू आसिफ शहरी फहद खान की मोटरसाइकिल और नकदी लेकर फरार हो गया था। मुलजिम आसिफ और शान शहजाद साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जो डकैती की वारदातों में मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं। मुलजिम से दौरान डकैती छीनी गई मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। अब तक की खबरें, मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.pscaa.tv।